वेलकम टू प्राइम टाइम विद मुसैफ, यू आर वॉचिंग द वॉइस ऑफ फैक्ट। हम सबको पता है कि हमारा जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, इसने अपनी जो हमारी एक लैंग्वेज थी, हमारी एक पहचान थी, आपको बताता चलूं, एक कौम की पहचान जो होती है वो उस कौम की लैंग्वेज होती है। मत इसे हमने जो अपनी भाषा, जो हमारी मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने सदियों पीछे धकेल दिया है। इसी सोसाइटी, इसी कौम के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस दौर में भी अपनी भाषा, अपनी मदर टंग को जो है लिफ्ट कर रहे हैं, अपनी मदर टंग को जो है उठा रहे हैं, उसमें कलाम पेश कर रहे हैं, उसमें यहाँ तक कि किताबें भी पेश कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइम टाइम में मिस्टर मुदस्सिर हसन मिर्चाल सर, जो कि मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। इन्होंने पहले से जो है, इनका जो इंटरेस्ट था वो लिखने में था, कलाम पेश करते थे कश्मीरी जबान में। तो आज सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर दैट मुदस्सिर सर ने रिसेंटली एक बुक पब्लिश करी है, कश्फ मर जिसका नाम है, जिसमें सर ने कश्मीरी जो कल्चर है, इन कश्मीरी लैंग्वेज उसको हाईलाइट किया है। मुदस्सिर सर, आपका शो पे स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि इन शोज़ में आप मुझे बुलाते हैं, और मुझे बहुत पजीराई मिलती है इन चीज़ों से। अल्लाह का शुक्र है कि अभी अदब शिनास जो है वो दुनिया में है, और अभी अदब शिनास जो है वो मौजूद हैं, अदब की कदर करने वाले और लिंग्विस्टिक्स की कदर करने वाले अभी ज़िंदा है। अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, आपसे सवाल ये है कि आपका ये जो है कश्मीरी कल्चर पे बुक लिखने का, इन कश्मीरी लैंग्वेज, आपकी कोई इंस्पिरेशन इसमें? चूँकि मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने का आदि था, और लिटरेचर का जो टेस्ट था वो मुझ में हमेशा था। लेकिन अगर देखें कि इंस्पिरेशन मुझे किन से मिला, तो इंस्पिरेशन मुझे असल में कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से मिला, जो कश्मीरी ज़ुबान में बुक्स हैं, जैसे मैजूर साहब की बुक है, हालांकि वो पोइट्री है, या इसी तरह से कुछ बड़े राइटर्स हैं कश्मीरी, तो उनकी किताबें पढ़ पढ़ के मुझे इंस्पिरेशन मिला। यकीनन एक इंस्पिरेशन होता है हर चीज़ के पीछे। जी सर, आपको महजूद साहब की किताबों से इंस्पिरेशन मिला है, बाकी जो हमारे मुसन्निफ हैं उनकी जो किताबों से, उनके कलामात से इंस्पिरेशन मिला है, तो आप थोड़ी सी सर रोशनी डालिए अपनी जो इस बुक में आपने जो कोट किया है, इस बुक में आपने जो लिखा है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि पार्ट वन में क्या है, पार्ट टू में क्या है। जी, चूँकि मैं इस किताब को एक हर एक शख्स के लिए लिख रहा था, दैट मीन्स उसके कहने का मेरा सिंपल मकसद ये है कि मैं चाहता था कि हर तबके फिक्र से जुड़े लोग जो हैं वो इस किताब को पढ़ें और उन्हें इसमें से फ़ायदा मिल जाए। दैट मीन्स अगर स्टूडेंट है तो उसे अपना फ़ायदा मिले, अगर कोई जोलॉजी बॉटनी पढ़ने वाला है तो उसको भी अपना टेस्ट मिले इसमें, अगर कोई लिटरेचर का ही कोई बड़ा लिखने वाला है तो उसको अपना टेस्ट मिले। इसलिए मैंने इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो पहला है वो कश्मीर की जो जियोग्राफी है, कश्मीर की जो उसका जो कल्चर है, या उसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो पास्ट है, पर्टिकुलरली जो पास्ट में यहाँ डिज़ास्टर्स आए थे, तो डिज़ास्टर्स को लिखने का मेरा मकसद ये था कि मैं ये लोगों तक पहुँचाऊँ कि डिज़ास्टर्स में हम एक दूसरे का ख्याल कैसे करते थे, क्या कुछ होता था कश्मीर में, चाहे कोई आग की वारदात हो या बाकी चीज़ें हों या सैलाब हो, तो इन चीज़ों के बारे में भी लिखा। ये भी पार्ट वन में है, पार्ट वन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा उसके बाद अगर आप पार्ट टू की बात करेंगे, तो पार्ट टू में मैंने जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कश्मीर की हैं उनके बारे में लिखा है, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स अगर कश्मीर के हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा है, और इसके अलावा जो मुख्तसर जो पॉलिटिकल एक मैप है कि पॉलिटिकली क्या क्या हुआ यहाँ पर, कौन आ गया प्राइम मिनिस्टर, कौन आ गया चीफ मिनिस्टर, वो एक ब्रीफ सा आइडिया उसके बारे में, तो वो लिखा हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनकी तारीख कश्मीर में क्या है, इस्लाम का बाया या हिंदुइज्म, बाकी चीज़ें सिख मजहब जो है, उन लोगों ने कब कश्मीर में अपने कदम जमाए और किस तरह से उनका ये हिस्ट्री रहा यहाँ पे, तो ये सब कुछ इस किताब में आपको मिलेगा, हर चीज़ का आपको टेस्ट मिलेगा। आपके बोलने के हिसाब से मेरी तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है इस बुक को पढ़ने के लिए, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि हर एक टेस्ट जो है बुक में अवेलेबल है, यानी कि ये बुक मिक्सचर है हर एक टेस्ट की, चाहे आप कोई आपकी एक्सपर्टीज किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट के मुतालिक जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो अवेलेबल रखी है हमारे सर ने। तो सर, आपको भी पता है कि हमारी सोसाइटी में देर आर हंड्रेड्स ऑफ यूथ एस्पायर टू बी ऑथर्स, एस्पायर टू बी राइटर्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
जी सबसे पहले तो मुझे इस बात पे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले कई साल से, 5-6 साल से लगभग, जब हम देख रहे हैं तो ऑथर्स की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। आप देखें 18 साल के छोटे जो नौजवान हैं वो शायरी करते हैं या लिखते हैं, 17 साल के, 16 साल के बच्चे लिखते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक खुशी की बात ये है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो अब भी शायद 12th में पढ़ता है, तो 9th क्लास में वो था तब वो एक बुक लिखना चाहता था जेनेटिक्स पे। तो वो मेरे पास आया, कहा कि सर मैं जेनेटिक्स पे कुछ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, वो इनफैक्ट लड़की है, तो कहा कि सर मैं जेनेटिक्स पे एक बात काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो उसे गाइड किया, जेनेटिक्स पढ़ाया थोड़ा सा, क्योंकि 9th का बच्चा है, 9th का बच्चा जेनेटिक्स के बारे में क्या जानता है, तो उसको जेनेटिक्स बेसिक से पढ़ाना, फिर बाद में उसको बाकी चीज़ों का टच भी देना कि जेनेटिक्स में ये चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। एंड फाइनली शी हैज़ कंपाइल्ड ए कंप्लीट बुक ऑन द क्रोमोसोमल डिजीज पे उसने कंप्लीट बुक लिखी है, 100 पेज से ज़्यादा की बुक है वो, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी पब्लिश भी हो रही है। तो ये है हमारे बच्चों में एंथुजियाज्म, तो जो ये एंथुजियाज्म है, तो इनके लिए मेरा मैसेज ये है कि इंशाल्लाह आप लिखते रहें। और लेखक जो होता है, जो भी, क्योंकि आप पोइट्स को देखेंगे, आप बाकी कुछ लिखने वालों को देखेंगे, आप आर्टिकल्स लिखने वालों को देखेंगे, और खुशी की बात यह है कि आप खुद भी एक लिखने वाले हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जब तक एक लिखने वाले की उस लेख से, लिखने वाले के लिखे हुए उस आर्टिकल से या किताब से जब तक कौन को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, तो उसका लिखना थोड़ा सा बेकार जाता है। तो आप जब भी लिखें तो इस बात को मन में रख के लिखें कि मेरे इस लिखने से मेरे कौम को क्या फ़ायदा हो सकता है। या तो आप कौम की परेशानियों को आगे बढ़ाएं, लिखें, ओके, या तो आप कौम की परेशानियों को अपने कलमी अंदाज में आगे बढ़ाएं, लिखें, तो या तो वो हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ की एनालिसिस लिखें। आपको पता है कि हमारे यहाँ कौम में पॉलिटिकली देखें, इमोशनली देखें, बाकी चीज़ों के हिसाब से देखें, हम पिछड़े हुए कौम हैं। दैट मीन्स हम अभी उतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, अभी मॉडर्नाइजेशन यहाँ आया नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए होता है कि एज ए राइटर आपको चाहिए होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल जो पोलिटिकल एनालिसिस हैं वो इस अंदाज से डिज़ाइन करें कि लोगों में वो शऊर आ जाए कि उन्हें आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें, कायद या एक लीडर का जो काम है वो अब लेखक को करना पड़ता है, वो अब कलमकार को करना पड़ता है, क्योंकि कलमकार वो होता है जो लोगों में एक हिस जो है वो जगा देता है। तो दैट मीन्स एक कलमकार इस अंदाज से लिखे कि उसके लिखने से कौम को कोई फायदा हो, या तो कौम जाग जाए, या फिर कौम को किसी चीज के बारे में पता चले, या फिर कौम की जो कुल हम परेशानियां हैं उनको उसकी फॉर एग्जांपल आर्टिकल के जरिए से, किताब के जरिए से लोगों के सामने रखा जाए, ताकि पता चले कि कहाँ पे है। जी बिल्कुल, कलम में इतनी ताकत है कि वो एक कौम को, सोए हुए कौम को भी जगा सकता है। सर, आपके मुताबिक जो आपके लिए राइटर्स का मैसेज था, राइटर्स के लिए मैसेज था, ऑथर्स के लिए मैसेज था कि राइटिंग उस हिसाब से चाहिए जिस हिसाब से हमारी कौम को फायदा हो, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या वर्कशॉप्स अरेंज करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एस्पायर टू बी ऑथर्स एंड राइटर्स, क्या उनके लिए गवर्नमेंट कुछ वर्कशॉप्स, या जैसे हमारी, आप भी एक लिटरेरी सोसाइटी के साथ, नॉन प्रॉफिट लिटरेरी सोसाइटी के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि आपको भी कुछ वर्कशॉप्स करने चाहिए अरेंज, या कुछ लाइक डिबेट्स, लाइक सिम्पोजियम्स करने चाहिए ऑर्गेनाइज? क्योंकि आपने पहले हुकूमत के बारे में ये बताया कि गवर्नमेंट को करना चाहिए वगैरह वो, ये तो मुझे एक मशहूर साहब का शेर याद आया, मैंने बस नुकचार कर हम छख न फुर्सत क्या करम, मैंने बस नुकचार कर हम छख न फुर्सत क्या करम, घर तनाजम कुछ लगी तो विन के अबरार में। चलिए सर, शायरी की आदत अभी भी नहीं गई, जब भी पढ़ाते थे क्लास में तब भी बीच बीच में साइंस की क्लास होती थी, फिजिक्स की क्लास होती थी, बीच बीच में तो शायर तो ऑब्वियसली अगर आपको फलसफे को समझना है तो फलसफे को समझने के लिए आपको पोएटिक अंदाज में या पोएटिक टेस्ट जो आपको है वो होना चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त किस अंदाज से काम कर रही है, किस अंदाज से नहीं काम कर रही, हालांकि आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर कल्चरल एकेडमी है जो गवर्नमेंट संभाल रही है, या बाकी चीजें हैं वो काम करते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो हम लोग होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल दुनिया की बाकी उन चीज जैसे कहेंगे कि गुमनाम जिंदगी गुजारने वाले लोग हम जैसे, तो हमें भी चाहिए होता है कि हम इन चीजों को इनिशिएट करें। जैसे अभी आप यहाँ इस लाइब्रेरी में हैं, माशाल्लाह आदिल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, ये डूरू में वाक्य है। तो अभी मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ इस तरह का इवेंट हो रहा है जहाँ पर कश्मीर कलाकार जो थे या बाकी जो थे ये आपस में मिले हुए, इनसे इन्होंने आपस में बात की, इंटरेक्शन किया, पता चला कहाँ पे क्या हो रहा है।
पता चला कि कौन किस तरह से लिटरेचर के लिए या बाकी चीजों के लिए काम करता है। तो इस तरह की इवेंट्स करने की बहुत जरूरत है, जो आम लोगों को करना चाहिए, जो स्कूलों को करना चाहिए, जो फॉर एग्जांपल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का इंतजार करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा है, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। जी सर, आगे का क्या प्लान है आपका, जो राइटिंग करियर, जो आपने इसको इस कस्टमर से आपने इस राइटिंग करियर, अपने राइटिंग करियर को एक बूस्ट दिया है, क्योंकि इसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आगे के क्या प्लान हैं आपके इस राइटिंग के करियर में? जी, कश्यप मर को मैं इस अंदाज से देखता हूँ जैसे एक नवजायद सा बच्चा जो अभी तक पेट के बल चल रहा था, अब उसने पहला कदम उठाया है, तो कश्यप मर वही पहला कदम है। तो काम अब भी करना है, बल्कि अब तो काम शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह आज एक और किताब है जो चल रही है, जिसकी तैयारी हो रही है इंशाल्लाह, और अगले कई दिन तक वो तैयार हो जाएगी, उसका फाइनल टच चल रहा है। वो मेरे असल में जो मैंने आर्टिकल्स लिखे थे, जो मैं पॉलिटिकल एनालिसिस लिखता हूँ, तो उन पॉलिटिकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन है वो, तो इंशाल्लाह वो भी पब्लिश होने के लिए अगले महीने तक तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद और भी कुछ किताबें हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं साइमल्टेनियसली दो तीन किताबों पर काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले जो तैयार होगी वो होगा मेरा ये पॉलिटिकल एनालिसिस इंशाल्लाह, रिशात कलम जिसका नाम है, तो इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगी। चलिए सर, थोड़ा सा सवालों की जो दिशा जो है वो बदल देते हैं। आप ये जो बुक का नाम अपने कश्मीर रखा है, ये आपके दिमाग में कैसे आ गया, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आ गया? क्योंकि जब आप कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको कश्मीर की उस माइथोलॉजी से गुजरना पड़ता है, जिस माइथोलॉजी में कश्यप ऋषि का जिक्र होता है। तो कश्यप ऋषि का जिक्र जब होता है तो ऐसा कहा जाता है कि कश्यप ऋषि नाम का एक सेंट हुआ करता था कश्मीर में, जिसने सती सर के जमाने में जिसने बहुत काम किया कश्मीर में जो है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे आपको माइथोलॉजी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, मैं आपको बोर तो नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं उस माइथोलॉजी को ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। तो कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर का असली नाम जो पहला नाम था वो था कश्यप मर, तो कश्यप मर से फिर धीरे धीरे ये जो है चेंज होके कश्मीर बन गया। चलिए सर, आपने ये ऑलमोस्ट 1012 पेज की बुक है, तो क्या लगता है आपको, आपको कुछ डिफिकल्टीज हुई कि कश्मीर पूरी वादी है कश्मीर, इसकी हिस्ट्री, इसका कल्चर, इसके जो पॉलिटिकल एनालिसिस, वो एक 112 पेज में उसको समाने की, इसमें कोई डिफिकल्टीज या क्या आप पूरी तरह से इसको समा पाए, या कुछ चीज़ें जो है रह गई वो आप अपनी अगली बुक्स में लाना चाहेंगे? क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, तो ये एक मसला है कि इसमें 100% तो नहीं आया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यही तो चैलेंज था कि मतलब एक छोटी सी किताब में कैसे समाऊं और क्या क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं। इस बात को सोचने, समझने, तराशने और लिखने में मुझे 12 साल लग गए, 12 लॉन्ग ईयर्स। तो 12 साल इसलिए भी लगे क्योंकि मैंने कई ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मैंने डिलीट कर दिए, कई ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मैंने लिखे बाद में चेंज कर दिए, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो 12, 13, 14, 20 पेज के होंगे लेकिन बाद में मैंने डिलीट कर दिए, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज मैं कारीन के लिए एक मखसूस मटेरियल रखना चाहता था, जो मखसूस मटेरियल उन्हें किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ भी ना खींचे, और जो फॉर एग्जांपल उनको उस किताब में कोई बयास भी ना हो। तो इसीलिए मैं उनके लिए एक ऐसा मटेरियल रखना चाहता था जिससे उनको फायदा ही मिले ना कि नुकसान हो जाए। तो ये चीज तराशने में, लिखने में, काटने में, छांटने में ये मुझे 12 साल लग गए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये मैं चाहता था कि ये 100 पेज से ज्यादा ना हो, उसकी एक वजह है क्योंकि हम कश्मीरियों में एक बहुत बड़ी, क्योंकि मेरा ऑडियंस तो कश्मीरी है, एक आम कश्मीरी, वो स्टूडेंट है, वो लिखने वाला है, वो पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है, तो आम कश्मीरी की एक पर्टिकुलर फितरत है कि वो जब एक बल्कि बुक देखता है तो वो पढ़ने से कतराता है, वो बड़ी बुक नहीं पढ़ता क्योंकि उसको पता है मुझे इसको पढ़ने में टाइम लगेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इसीलिए जब एक छोटी सी बुक हो जो 100 पेज की हो तो उसे पढ़ने में वो मोटिवेट खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे दो चीजें करनी पड़ी, एक मुझे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको समराइज करना पड़ा, ये समराइजिंग है, ओके, सो इसको कलेक्ट करने के बाद समराइज किया। नंबर दो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इस बुक का जो फॉन्ट है, आपने देखा होगा वो फॉन्ट भी मैंने उस अंदाज से छोटा रखा है, सो दैट ये पढ़ने वाले को ज्यादा बल्कि बुक ना लगे, ऐसा ना लगे कि मुझे इसे पढ़ने में सालों साल लग जाए, तो इसलिए मैंने इस बुक को 100 पेज पे समा दिया। हाँ, यकीनन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं आई होंगी, तो उसके लिए इंशाल्लाह दूसरा एडिशन भी तैयार होगा। तो पहले एडिशन में पहले देखेंगे लोगों की या जो आम कारीन है उनकी राय क्या होगी, तो ये सब कुछ देखने के बाद हम तराशते हैं दूसरा एडिशन।
चलिए, वी आर लॉन्गिंग फॉर द सेकंड एडिशन ऑफ द बुक। सर के साथ बात करते समय मुझे वो सिक्स और सेवन्थ के क्लासरूम याद आ गए, क्योंकि हर सवाल के जवाब में सर ने एक एक शायर मुख्तलिफ शायरों का अर्ज किया। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस पजीराई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।